हे दोस्तों, क्या हाल चाल? आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। आप सब लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आपका फेवरेट फ़ोन आईफोन 11 के बारे में। जी हाँ दोस्तों, मैं आज इसकी ऐसी कुछ खामियां बताने वाला हूँ जो शायद आपको पता होनी चाहिए एक आईफोन में पैसा लगाने से पहले। अगर आप आईफोन 11 लेने का प्लान कर रहे हो तो डेफिनेटली ये वीडियो शायद आपके बहुत काम आ जाए। अगर अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा, और मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों, अच्छाइयाँ तो बहुत सुनी होंगी आपने, बहुत तमाम तरह के वीडियो देखे होंगे आईफोन 11 के। वाकई में फ़ोन बहुत अच्छा है। अगर अच्छाइयों की बात करें तो तमाम तरह की अच्छाइयाँ हैं, बहुत दुनिया भर की हैं। वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा तो कोई सेंस नहीं बनता कि मैं एक अच्छाई बताऊँ। मोटी मोटी अच्छाई ये है कि इन हैंड फील बहुत अच्छा है, कैमरा अच्छा है, और इसकी जो डिस्प्ले है LCD डिस्प्ले होने के बावजूद भी मुझे पर्सनली OLED से ज़्यादा बेटर लगती है, क्योंकि स्क्रीन थोड़ी ब्राइटर है, कलर्स थोड़े से मेरे को पर्सनली ज़्यादा अच्छे लगते हैं। बाकी सबकी अपनी अपनी चॉइस है। इन हैंड फील बहुत अच्छा है, जो इसके कर्व्ड हैं, मुझे जो स्ट्रेट फ्लैट वाले जो फ़ोन हैं उनसे ज़्यादा बेटर लगते हैं। इसका लुक काफ़ी अच्छा है, मॉडर्न आईफोन है। कैमरा आज भी इसका बहुत रिलायबल है, बहुत अच्छे से फ़ोटो खींचता है। अगर दिन की बात करें, नाइट में थोड़ा सा इशू है, बट हाँ, दिन में एक से एक फ़ोटो खींचता है, एक से एक बेहतरीन वीडियो लेता है। इन हैंड फील वाकई में बहुत अच्छा है। तो ये तो इसकी मोटी मोटी कुछ खामियां हैं। सारे के सारे अपडेट आपको अगले 3-4-5 साल तक मिलते रहेंगे। अभी 15 चला, 16 भी मिलेगा, 17 भी मिलेगा, 18 भी मिलेगा। अब हम आज बात करने वाले हैं इसकी कुछ खामियां के बारे में, क्योंकि आप जब 35-40-50 हज़ार रुपये लगाते हो, अगर मैं बात करूँ इसके अभी प्राइस की, तो 54 हज़ार रुपये का लगभग आता है ये। कुछ डिस्काउंट वगैरह मिला के 50-51 का पड़ता है, 128 GB का वर्जन, और 64 GB का वर्जन 4-5 हज़ार रुपये आप नीचे लगा लीजिए। तो अभी तमाम तरह की सेल आने वाली है, प्राइम डे सेल और जो इंडिपेंडेंट सेल होती है अगस्त में वो आने वाली है, और तो साल की सबसे बड़ी सेल होती है दिवाली पे, वो आने वाली है। मुझे पता है आप काफ़ी इंतज़ार कर रहे होंगे, आपने बजट भी बनाया होगा अपना कि भैया 37-38 तक आएगा तो तुरंत हम इसको परचेज़ कर लेंगे। तो आप, और जब आदमी इतना पैसा लगाता है ना, तो एटलीस्ट वो सोचता है कि मैं कम से कम 4-5 साल तो उसको यूज़ करूँ। देखिए, मिडिल क्लास के बस की नहीं होता कि 40-50 हज़ार रुपये का फ़ोन लेके वो 1-2 साल में चेंज कर दे, हर किसी के बस का नहीं होता। मैं समझता हूँ, हाँ, 1-2% लोग होते हैं जिनके लिए पैसा इतना मैटर नहीं करता है, बट मैं 99% लोगों पर मैटर करता है। तो अगर आप 38-40 हज़ार रुपये लगा रहे हैं तो इन चीज़ों का ध्यान ज़रूर रखिएगा इस फ़ोन को लेने से पहले से। नंबर वन जो चीज़ है वो चीज़ है, नंबर वन वो खामी जो मुझे यूज़ करने पर लगी, वो है इसका नेटवर्क। जो आप नेटवर्क देख रहे हो ना इसका, अगर आप ऐसी जगह पर रहते हो ना जो जहाँ नेटवर्क लो रहता है पहले से, किसी ग्राउंड फ्लोर पर रहते हो या मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है जहाँ पहले से नेटवर्क के थोड़े से इश्यूज़ हैं, तो वहाँ पे और ज़्यादा दिक्कतें इसमें आपको देखने को मिल सकती है। क्योंकि इसमें मैंने जो फील किया, 12 और 13 के मुकाबले जो उसका नेटवर्क है वो थोड़ा सा कमज़ोर रहता है। इसमें मैंने देखा कहीं कहीं, अब मैं खुद ग्राउंड फ्लोर पर रहता हूँ, मेरा 13 प्रो में ना 2 से 3 डंडे आते हैं, इसमें एक ही डंडा दिखाई देगा, एक ही सिग्नल दिखाई देगा आपको, और सॉरी डंडा बोल रहा हूँ, सिग्नल की बात हो रही है, तो एक ही सिग्नल आपको दिखाई देगा। और कहीं कहीं तो थोड़ा अंदर को जाता हूँ मैं, सिग्नल गायब हो जाते हैं, जहाँ पर 13 प्रो के 2 सिग्नल आते हैं इससे पूरे गायब हो जाते हैं। तो ये मैंने कई जगह फील करी, और जो मेरे नियर एंड डियर जो लोग मेरे जान पहचान में जो आईफोन 11 यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि हमने पिछले साल ये फेस्टिवल बिग बिलियन डेज पे हम 3-4 जनों ने एक साथ लिया था, ये इशू सभी फेस कर रहे हैं। हो सकता है हार्डवेयर इशू, हो सकता है ये सॉफ्टवेयर से रिजॉल्व हो जाए, अभी मैं कुछ नहीं कह सकता, बट जो मैंने अभी तक फेस किया वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये तो थी इसकी पहली कमी। अगर आप इस जगह रहते हैं जहाँ नेटवर्क कमज़ोर है, तो प्लीज़ इस फ़ोन को आप अवॉइड कीजिएगा। अब दोस्तों आते हैं इसकी दूसरी कमी पे। दूसरी कमी है इसकी, हम 2022 में बैठे हुए हैं भैया, आप 38-40 हज़ार रुपये लगाएंगे तो एक साल में तो फ़ोन चेंज करेंगे नहीं। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, 5G ना होना इसकी सबसे बड़ी कमी है। अगर ये फ़ोन आज भी 5G होता ना, तो डेफिनेटली 13-12 की सेल पे इतना इम्पैक्ट डालता हद से ज़्यादा। 5G का ना होना ये इसका सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है। अभी 2023 तक डेफिनेटली, अगर आप किसी मेट्रो सिटीज़ में बैठे हुए हो ना, आप रह रहे हो मेट्रो में, दिल्ली में, मुंबई में, बेंगलोर, अहमदाबाद, चंडीगढ़, लखनऊ वगैरह इस तरह की सिटीज़ में, पुणे, तो डेफिनेटली 2022 एंड तक या फिर 2023 के स्टार्टिंग में वहाँ पे 100% 5G लॉन्च हो जाएगा। मैं समझता हूँ अगले 6 से 8 महीने में मेट्रो सिटीज़ में 5G 100% लॉन्च होगा ही होगा, और जैसे ही लॉन्च होगा ये फ़ोन आपको ना चुभने लगेगा। मैं समझता हूँ जैसे 90% लोग, जब कोई नई टेक्नोलॉजी आती है ना, एडवांस टेक्नोलॉजी आती है, सबको क्यूरियोसिटी होती है हम भी यूज़ करें, और जब आपके पास आपके पड़ोसी, आपका भाई यार दोस्त यूज़ कर रहा होगा 5G और आप नहीं यूज़ कर पा रहे होंगे ना, तो आपको लगेगा यार शायद गलती कर दी मैंने, मुझे थोड़ा और रुक के 8-10 हज़ार रुपये शायद और सेव कर लेता, 5G फ़ोन ले लेता। ये सबसे बड़ी मुझे इसकी कमी लगी। अगर आपके लिए
ये चीज़ मैटर करती है, तो डेफिनेटली ये सबसे बड़ी कमी है। 5G जैसे ही आएगा, अभी तो शायद आपको फील नहीं होगा, जैसे ही 5G आएगा ये आपको ओल्ड लगने लगेगा, और उस टाइम पे इसकी जो रीसेल वैल्यू है ना वो भी कम हो जाएगी। हाँ, अगर आप कुछ सेकेंड हैंड यूज फ़ोन ले रहे हो, अगर आपको अच्छी डील मिल रही है 1-1.5 साल के लिए ले रहे हो तो आप ले सकते हो। अगर नया फ़ोन ले रहे हो जिसमें आप 38-40 हज़ार रुपये 45 हज़ार रुपये खर्च करने वाले हो, तो शायद आपको ये अवॉइड करना चाहिए। थोड़ा सा और रुक जाओ, थोड़ा और सेव कर लो, उसके बाद आप 12 की तरफ जा सकते हो या 13 की तरफ जा सकते हो, अगर आपका बजट है तो। अब बात करते हैं इसकी तीसरी सबसे बड़ी कमी की। तीसरी सबसे बड़ी जो मैंने इसमें कमी फील करी वो है भैया इसकी बैटरी। बैटरी इसकी 11 की और 12 की ऑलमोस्ट एक ही है। इनफैक्ट जो 11 की बैटरी है वो 12 से ज़्यादा बड़ी है, 3100 समथिंग mAh की है। मगर जैसे ही 100% होने के बाद 1-2 महीने बाद ये मेरा बैटरी हेल्थ इसकी 98% हुई, तो वैसे ही इसकी जो बैटरी है ना 1-2 घंटे, मतलब 1-2% कम होने से ही 1-2 घंटे का फ़र्क पड़ गया। और अभी मेरी जो उसकी बैटरी हेल्थ है ना वो 94% है, और उसके बावजूद भी ना ये मतलब अभी मेरा ये प्राइमरी फ़ोन नहीं, इतना यूज़ नहीं होता है, स्क्रीन ऑन टाइम इसका नहीं है, उसके बावजूद क्या इसका जो बैटरी है ना, अगर मैं प्राइमरी फ़ोन पे ऐसे यूज़ करूँ, और मेरा नॉर्मल मॉडरेट यूज़ भी है ना, बहुत हैवी भी यूज़ नहीं है, अगर 1-1.5 घंटा मैं गेम खेल रहा हूँ, 1-1.5 घंटा मैं यूट्यूब की वीडियो देख रहा हूँ या कोई कंटेंट देख रहा हूँ, थोड़ा बहुत मेरे 8-10-15 कॉल भी आ जा रहे हैं, तो ये आपका शाम तक मुश्किल से ही चलेगा। आपको चार्जर कैरी करना ही पड़ेगा। जैसे ही ये 4-5% इसकी बैटरी हेल्थ ड्रॉप होती है ना, इसका बैटरी बैकअप 2-3 घंटे ड्रॉप हो जाता है। ये मुझे काफ़ी फील हुई, और ये ऐसा नहीं है कि मुझे अकेले को यही फील, मेरे साथ के जो और लोग हैं उनको भी ये बड़ा फील हुआ कि यार मेरा जो कुलीग है उसका लगभग 5 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम है, और उसकी बैटरी 7 से 8 महीने में 90% पे आ गई है। 90% पे आते संगी इसका बैटरी, उसको चार्जर कैरी करना पड़ गया, शाम को 5-6 बजे तक भी इसकी बैटरी ढंग से नहीं चल पाती है। तो दोस्तों ये थी इसकी सबसे बड़ी कमी। शायद हो सकता है सॉफ्टवेयर से इसको कुछ आगे अपडेट मिले तो इम्प्रूव हो जाए, अभी तो नहीं कह सकता, बट जो मैंने कमी इसमें फील की, अभी फील की थोड़े बहुत दिनों में, पिछले 6-7 महीने, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। ये मैंने आज बात करी इसी 3 खामियों के बारे में। खामियाँ आप किसी भी फ़ोन में 50 तरह की निकाल सकते हो, वो एक अलग बात है, मगर ये 3 खामियाँ ऐसी हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और आपकी डेली लाइफ में काफ़ी इम्पैक्ट डालती हैं। इसकी अच्छाइयाँ भी बहुत हैं, डेफिनेटली मुझे 12-13 से ज़्यादा अच्छा लगता है कुछ चीज़ों में, स्क्रीन में, तमाम तरह की और भी बहुत चीज़ें हैं, बट कुछ खामियां भी आपको पता होनी चाहिए एक आईफोन में 11 में पैसा लगाने से पहले, अगर आप 2022 में प्लान कर रहे हो। तो दोस्तों ये था एक मेरा छोटा सा वीडियो आईफोन 11 के कुछ खामियों, कुछ कमियों के बारे में, आपको डेफिनेटली पता होना चाहिए। अगर मेरी एक वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको एक लाइक तो कर ही दीजिएगा अगर आप यहाँ तक देख रहे हैं, और इसको आप आगे शेयर भी कर सकते हो, और भी जैसे ही आप लाइक और शेयर करते हो डेफिनेटली मुझे एक मोटिवेशन मिलता है और भी वीडियो बनाने का, और भी इस तरह कंटेंट मैं लाता रहूँगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही।